Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are good. Welcome back to my YouTube channel and here is my new vlog. So let's start the vlog. और मैं मम्मा के साथ आ गई हूँ बाज़ार क्योंकि मुझे चाहिए था ब्लैक फैब्रिक. स्कूल में कल्चर डे का इवेंट है तो मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए थी प्लेन खद्दर की. अब मैंने सोचा कि मैं स्टिच ढूंढूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मिले ना मिले फिर उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हो ना हो, तो मुझे पूरी ब्लैक चाहिए थी. इसलिए मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग यहाँ बाज़ार चलते हैं और इधर शॉप पे प्लेन खद्दर आपको फैब्रिक मिल जाएगा. लिटरली यहाँ पे खद्दर के बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे. खैर मैंने अपना यहाँ से फैब्रिक ले लिया और अब मम्मा ही घर में स्टिच कर देंगी शर्ट क्योंकि मम्मा को स्टिचिंग आती है. अर्जेंट ना मम्मा ही स्टिच कर देती हैं मेरे और फातिमा की ड्रेसेस. ओके जी, तो यहाँ मुझे बैग्स की बहुत मज़े की शॉप मिली और इतने अच्छे बैग्स थे यहाँ पे, तो मैंने इनसे एक कार्ड ले लिया था ताकि मैं आप लोगों को भी शो कर सकूँ. जो हैदराबाद में रहते वो इस शॉप पे विज़िट कर सकते हैं. मुझे इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी क्योंकि इनके पास ट्रेंडिंग कलर्स के बैग्स अवेलेबल थे, तो येस यू कैन विज़िट देयर शॉप. अच्छा, प्लेन ब्लैक पे मेरा ज़्यादा फोकस इसलिए था क्योंकि मुझे जस्ट कल्चर डे के लिए बाउंड नहीं करनी थी अपनी शर्ट. मुझे और इवेंट्स पे और अलग अलग तरीके से लाइक अलग अलग दुपट्टास के साथ मुझे उसको कैरी करना था, तो इसलिए मैंने प्लेन ब्लैक मतलब जो भी उसमें यूज़ हुआ हुआ वो ब्लैक ही यूज़ हुआ हुआ, तो बहुत अच्छी से डिज़ाइन किया है. मैं व्लॉग के लास्ट में आप लोगों को पूरा ड्रेस दिखाऊंगी तो प्लीज़ लास्ट तक व्लॉग लाजमी देखें. जो मुझे ब्लैक शर्ट के साथ कल्चर डे में दुपट्टा वेयर करना है वो तो मम्मा का है, वो मम्मा ने मुझे निकाल के दिया था. लेकिन ब्लैक शर्ट के साथ मुझे स्कार्फ़ भी लेना था नॉर्मल डेज में वेयर करने के लिए, तो वो यहाँ से मैंने स्कार्फ़ लिया. दैन सो अब मैं ज्वेलरी स्टॉल आई हूँ. मुझे यहाँ की ज्वेलरी बहुत पसंद है, लाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर यूज़ के लिए और हर टाइप के इवेंट के लिए मतलब हर टाइप की ज्वेलरी अवेलेबल है, तो बहुत मज़े का स्टॉल है. कुछ चीज़ें जो मैंने पहले यहाँ से परचेज़ की थी वो क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपके एक दो इवेंट्स तो निकल ही जाते हैं. वैसे भी हर ड्रेस के साथ हर आउटफिट के साथ मैचिंग ज्वेलरी होती है, चेंज होती रहती है बार बार. 2-3 दफ़ा ही वेयर करती हूँ बस, फिर चेंज करने का दिल करता है, तो इसलिए मैं यहीं से ले लेती हूँ रेगुलर वेयर के लिए. तो ओके जी, तो हम लोग के घर आने के बाद मुसब और शाद यहाँ पे आ गए थे एंड हम लोग का रात में हुआ कि हम लोग कॉफ़ी बनाकर पीते हैं. लेकिन एज़ यूजुअल पाकिस्तान में तो गैस ख़त्म ही हो गई है, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं आती, इसलिए सोचा कि इस तरह कुछ लकड़ियों पे कॉफ़ी बनाते. ओवन मम्मा ने पैक कर दिया था. अच्छा हाँ, शिफ्टिंग के अबाउट तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं. जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शिफ्टिंग हो गई है, लेकिन जब ये रिकॉर्ड हुआ था व्लॉग उस टाइम हमारी पैकिंग चल रही थी, शिफ्ट करना था हमें घर. तो मम्मा ने बड़ी बड़ी चीज़ें सारी पैक कर दी थी लाइक ओवन और ये सब चीज़ें पैक हो गया था सब. शिफ्टिंग व्लॉग भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. खैर अच्छा, साथ ने ना मुझे पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि हम लोग कॉफ़ी पियेंगे तो कॉफ़ी अरेंज करके रखना. और रात का टाइम हो रहा था, 2-2:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा गैस नहीं आ रही, ओवन भी मम्मा ने पैक कर दिया तो कुछ भी अरेंज नहीं हो सकता. इसने कहा चल हम खुद कर लेंगे, तो मैं यही सोची थी कैसे अरेंज करेगा क्योंकि यहाँ तक तो माइंड मेरा गया ही नहीं था कि हम लोग बाहर लकड़ियों पर बनाएंगे. खैर इसमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लिटरली. बेटा जल गया ना, मज़ा आ जाएगा. नहीं यार उम्मीद इतनी गलत आ रही है. नहीं करो बच्चे होंगे वो आके दिखा रहे हैं. ओए लो रो मत यार, रो क्यों रहे हो? होता है होता है होता है, हो गया फेटेंगे ना सुनो. अच्छा कैसी आती है बनाना YouTube. Oh, YouTube. जा जा रहा कंटेंट. जा रहा वहीं से लाया. कितना प्यारा लग रहा है ये. Satisfying. है यार कितना प्यारा. आशिक. इतने ले पता नहीं लग क्या रहा है, हमें भी समझ आ रहा. भाई कॉफी लेके हार्ड बना दो. काफ़ी रात हो गई थी और सर्दी तो ना ही पूछें, इतनी ज़्यादा थी, लेकिन मज़ा बहुत आया. मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी कॉफ़ी इस तरह बाहर लकड़ियों पे नहीं बनाई और डर भी लग रहा था, लेकिन मम्मा साथ खड़ी थी, वो अपनी दुआएं वगैरह पढ़ रही थी, लेकिन सीरियसली मज़ा बहुत आया. वाह वाह, थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए. तीर बना दे तीर. वाह वेरी डेंजरस. मूवी ख़त्म होते होते सुबह हो गई थी और पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। खैर ये टाइम इतना मज़े का था, पीसफुल, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा वॉक करके आ जाते हैं। तो हम लोग फिर बाहर गए और वॉक किए। लिटरली इतना अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे इस टाइम, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। सबसे प्यारा टाइम है ये वॉक का, लिटरली सबसे अच्छा टाइम। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, आराम से आप अल्लाह ताला से बातें करें, अपनी इंजॉय करें, अच्छा फ़ील करें, तो बहुत मज़ा आता है लिटरली। खैर अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ जिस दिन कल्चर डे था। ये जो सब डेकोरेशन थी ये मैंने ही की थी 2-3 टीचर्स के साथ मिलके। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी मैम को। लिटरली बहुत पसंद आई थी और अच्छी हुई थी। लास्ट टाइम भी हमारी डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन ये वाली ज़्यादा अच्छी हुई थी क्योंकि मैंने की थी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टर्न हमारी थी और मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर रेडी कर लिया था। यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस हो गई थी और बहुत अच्छी हुई थी। जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। लिटरली मैंने इतनी मेहनत की थी ना अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाने में, क्योंकि आप लोगों को पता है छोटे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, बड़े स्टूडेंट्स पर भी सीख लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी आप बताएं? आउट क्लास। आप बताएं? आप बताएं? ऑसम। आप बताएं? पता चल रहा था किसी अच्छे बंदे ने कराई। ये सबसे अच्छा था, ये सबसे अच्छा था। तालियां, तालियां, तालियां। अच्छा जी, तो सारी परफॉर्मेंस के बाद एंड फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैम ने टीचर्स के लिए, पूरे स्टाफ के लिए रिफ़्रेशमेंट अरेंज किया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पूरे इवेंट से ज़्यादा इधर मज़ा आया था, इधर बैठ के, क्योंकि यहाँ सब डिस्कस हुआ था, सारी बातें डिस्कस हुई थी, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था। और मेरे फेवरेट समोसे भी थे। लेकिन सीरियसली इधर इस वाले टाइम मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत हंसी मजाक हुआ था। अब थोड़ा सा ड्रेस डिटेलिंग पे आ जाते हैं। इसका दामन मैंने जस्ट ब्लैक लेस लगवाई थी और शर्ट पे आप लोग नेक देख सकते हैं किस तरह की नेक बनवाई थी, और जस्ट बटन्स लगवाए थे। बटन्स होममेड थे, खुद बनाए थे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भी मैंने कैसे बनाए थे। स्कार्फ मैंने ये लिया था नॉर्मल वेयर के लिए, और इसका जो ग्लिटर लुक था ना वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। लिटरली ब्लैक प्लेन शर्ट पे बहुत ही एलिगेंट और बहुत मज़े का लुक दे रहा था। एनीवे स्लीव्स को मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया था। इसमें मैंने प्लेट्स करवाई थी एंड बीच में जो सेंटर लेस होती है वो लगवाई थी। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी स्लीव्स बहुत नीटली रेडी हुई होंगी तो वो बहुत ही आपका ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वो स्लीव्स पे होता है। मैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करवाना चाहती हूँ, तो बस मैंने ये डिज़ाइन किया। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो बस जैसा हो सका मैंने अच्छे से करने की कोशिश की। और लिटरली वेयर करने के बाद तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत एक ग्रेसफुल लुक आ रहा था। अच्छा जी, तो मुझे शर्ट पे बड़े बटन्स चाहिए थे, तो मैंने साइज़ डिसाइड कर लिया था। देन मेरे पास ये शिमर कपड़ा रखा था, तो मैंने इससे कवर अप कर दिया और लिटरली बहुत प्यारे लग रहे थे ये बटन्स। ब्लैक प्लेन पे शिमर थोड़ा बहुत आउट क्लास लुक दे रहा था। हर टाइप के बटन्स आप लोग घर में खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। खैर दुपट्टा मामा का ये वाला था, इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था। कल्चर डे में बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। वालेकुम अस्सलाम। के लिए बढ़िया, देर हो रही है, रात हो रही है, भाई को लेके आई, मैंने कहा देखे आऊँ। थैंक यू सो मच। बिरयानी देख के तो मेरा सच में मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में ही होती है वो मेरे लिए बिरयानी लेकर आई थी। मज़े की बात यह है कि मेरी नेबर भी और स्कूल में भी साथ होती है। सो आज का व्लॉग बिरयानी पे एंड करते हैं। होप यू लाइक एंड एंजॉय माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।